गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज हमारा सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 5 है। आज हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म। तो गाइस मेरे जो पुराने 4 पार्ट है वो मेरे पुराने चैनल पे है और अब से इसी चैनल पे मेरे आगे के पार्ट आएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस मैंने पहले से पूरा सामान तैयार करके रखा है जो आयरन फार्म के लिए लगेगा। ये आयरन नहीं, वो आयरन तो मैंने ऐसे रख दिया था यहाँ पर, बच गया था। तो बाकी पूरा सामान इसके अंदर है, बेड वेड फोन ब्रिज जो भी सब लगेगा, हॉपर्स वॉपर मैंने सब रख दिया है यहाँ पे। फ्लैचिंग टेबल भी यहीं पे रख दिए मैंने। भाई मेन जो फंड है वो विलेजर्स को लाने का है, उनको लाना बहुत मुश्किल होता है, वो आते नहीं जल्दी और फिर ब्रीड कराना रहता है उनको। 20 विलेजर से यार, 21 विलेजर। भाई जावा के फार्म क्यों नहीं है यार पॉकेट एडिशन में? जावा में कितना ईजी होता है, सिर्फ 2 विलेजर्स लाओ और आयरन फार्म तैयार। पॉकेट एडिशन में तो 21 विलेजर लाओ और कभी कभी तो चलता भी नहीं है भाई फार्म, और इतना एफिशिएंट नहीं है भाई पॉकेट एडिशन में फॉर्म जितना जावा में। अरे यार मेरी इन्वेंट्री इतनी फुल हो रखी है, तो इन्वेंट्री भी खाली कर लेते हैं। ये इन्वेंट्री खाली कर लेते पहले भाई, नीचे रख देते हुए सामान जो फालतू का है, ये कैरेट, ये सीट, ये शुगर केन, ये सब रख देते। ठीक है बस अब तो शायद कुछ काम का ही नहीं था। और अब तो स्टोन का टूल की ज़रूरत भी है भाई, अब हम आयन पे शिफ्ट हो रहे पूरा। अब पूरा सामान ले लेते फटाफट, बेड से भी मैंने लेने वाला क्योंकि बेड तो हम फिर जाके ले जाएंगे आखिरी में, फालतू का टेंशन ले लेता भाई मैं। तो चलिए भाई अब जगह भी ढूंढ ही लेते हैं, ये जगह चाहिए तो ही फिर हम बना सकेंगे ना। अच्छी थोड़ी भाई जगह चाहिए क्योंकि 20x20 की स्पेस लगेगी इसको बनाने में, तो इतनी जगह चाहिए होगी। तो भाई मैंने ग्लास भी ले लिए थे जो कि मैं भूल गया था लेना, तो अब बाकी का सामान उठा लेते। और सारे स्टोन ब्रिक्स लगेंगे मेरे हिसाब से, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से लिया है। तो 2 बेड साथ में ले लेते हैं, एक सोने के लिए और एक लगा देंगे शायद, पता नहीं। वो भाई तो मैं अभी यहाँ पे आ गया था और मुझे डॉग्स मिल गए, तो भाई मैंने सोचा डॉग्स टेम कर लेते हैं। मैं वापस गया था बोन लेने, बहुत सारे थे यहाँ पर, लगभग 7-8 थे, लेकिन अभी 4 ही बचे, ये तो 2 बच्चे ही है। अरे ये कहाँ फंस गया पत्ते के पीछे, आ यहाँ पर आ। हाँ भाई 2 डॉग्स टेम हो गए और अभी बच्चों को भी टेम कर लेते हैं, इनके छोटे छोटे। तो इनका मुंडा इतना बड़ा होता है, शरीर इतना छोटा सा होता है, बड़े अजीब लगते हैं लेकिन बहुत क्यूट है। तो चलो अभी इसको अपने घर के अंदर जो ऊपर वाली जगह है ना वहाँ पर ले आते हैं। तो मैं घर के अंदर तो आ गया वो अभी अपने, तो अभी यहीं पे ऊपर ले जाते हैं इन लोगों को और ऊपर इनको बिठा देते हैं। क्या सही जगह बनी है मैंने ऊपर, यही रहने के अभी तो यहाँ पर। वैसे भी मेरा सामान तो अभी कुछ रखने का है नहीं यहाँ पर, पता नहीं मैं आगे चेस्ट वेस्ट का रखूँ क्योंकि अब तो सामान बढ़ने वाला है। आयरन भी आएगा, उसके बाद मैं स्टोन फार्म बनाऊँगा तो स्टोन आएगा, बहुत कुछ करेगा भाई अभी तो हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस मैंने जो जगह डिसाइड कर ली थी वो यही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से थोड़े ब्लॉक्स वॉक्स हटा लेते हैं, झाड़ वाड़ तोड़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और फिर आपको फिर से मिलते हैं। तो गाइस देखो मैंने पूरी जगह साफ़ कर ली है 20x20 की, और मैंने चेस्ट लगा के वहाँ पे सामान भी रख दिया पूरा, ये देखिए। क्योंकि भाई ये सामान डर्ट वर्ट पूरा आ रहा था, तो फिर भाई इन्वेंट्री वैसे ही फुल हो रखी थी तो आ नहीं रहा था कुछ भी, तो मैंने सोचा चेस्ट यहीं पर रख दो और सामान रख देते हैं। तो गाइस अभी आपको 4 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। तो यार ये झाड़ के पत्ते क्यों परेशान कर रहे हैं? पहले तोड़ लेते यार पूरे। हाँ तो मैं कह रहा था 4 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, उसके बाद आपको अपनी स्टोन ब्रिक लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है? बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करना, फिर पत्ते परेशान कर रहे हैं। और आपको फिर 20x20 का है ना पूरा सब बना लेना है, मैं बना लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। देखना भाई 20x20 की एग्जैक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, अगर आप ज़रा भी मिस्टेक करोगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। 20 उस साइड, 20 इस साइड, और फिर ऐसे पूरा 20x20 का होगा पूरा टोटल में। तो अभी तो मैं थोड़ा स्किप भी कर दूंगा, तो मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। हाँ तो गाइस अब फाइनली हमने ये बना लिया है, अब हमें एक और लेयर इसके ऊपर लगानी है, ठीक है? तो मैं वो भी बना लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो भाई मैंने ये भी कर लिया, अब मैं यहाँ पे नीचे के अंदर स्टोन ब्रिक्स लगा देता हूँ, वो लगाने के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ।
मैं स्किप ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने नीचे का पूरा लेयर बना लिया, और भाई जो मेरे साइड में मैंने जो बना रखा है ना, हाँ ये मैं आपको एक ही साइड बना के बता देता हूँ कैसा बनाना है। तो आपको पहले कोने में एक ब्लॉक रखना है, फिर पांच एक्सटेंड कर देना राइट और लेफ्ट में, ठीक है। कोने में एक ब्लॉक और पांच एक्सटेंड कर देना है, देखिए पांच, ठीक है। और फिर ऐसे चार लगा देना है, और यहाँ पे ऐसे तीन आएंगे, और भाई ये ऐसा कुछ शेप बन जाएगा, ठीक है। तो आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, मैंने आपको बता तो दिया है। तो आप सो भी जाते, रात ही हो गई है, अभी मॉब स्पॉन हो जाएगी यहीं पर, फिर यहीं पर अपने को मारेगी सब। और अगर स्लीपर स्पॉन हो गया तो पूरी मेहनत बेकार कर देगा। हाँ तो अब सुबह भी हो गई है भाई, फ्रेश फ्रेश। अब हमें काम करना है भाई, इन्फिनाइट वाटर सोर्स लाना है, बनाना है, यानी बनाना लाना नहीं है, वाटर बकेट लानी है। तो मैं वो ले आता हूँ, फिर अपन फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं ले आया हूँ अपनी वाटर बकेट, चार ले आया हूँ मैं, क्योंकि चार की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ऐसे चार की ज़रूरत तो उससे ज़्यादा ही पड़ेगी, लेकिन हाँ चार बकेट मैं आपको बताऊँगा क्यों चार की चार लाया हूँ मैं। तो अभी पहले यहाँ पे इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लेते हैं, ये इन्फिनाइट बन गया। अब अपने को चारों बकेट भर लेनी है, और एक एक कोनों में बकेट डाल देनी है। अभी ये पूरा कम्प्लीट प्रोसेस नहीं है, और भी अपने को बकेट डालनी है, लेकिन अभी पहले चारों कोने में आप डाल दो, तो ये ऐसा कुछ बीच में बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको चारों बकेट फिर से भर लेनी है, और फिर यहाँ पे आ जाना है बीच के अंदर, और यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के, ठीक है, एक ब्लॉक छोड़ के उसके बाद से डालना स्टार्ट कर देना है। ऐसे टोटल चार बकेट डलेगी यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है, चार बकेट डलेगी, और फिर ऐसा सीधा सा हो जाएगा ये जगह। तो आपको ऐसा हर जगह कर लेना है, मैं कर लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। हाँ तो गाइस देखो मैंने कर लिया है, और अब आपको बीच के अंदर चार ब्लॉक्स मिल जाएंगे। अभी मैं डर्ट रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ना है थोड़ा, और मैं फिर से नीचे उतरने वाला हूँ। वो तो मैंने आगे आपको पता चलेगा मैंने वो डर्ट ब्लॉक्स क्यों लगाए। अभी हम यहाँ पे खोद लेते हैं, और अब आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाके अब आपको ग्लास निकाल लेना है अपना ग्लास, और फिर जो ये होल है उसको एक चैम्बर बना लेना है। देखो मैं जैसे चैम्बर बना रहा हूँ ना, वैसे एक चैम्बर बना लेना ग्लास से। पूरा अभी कवर मत करना, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तीन साइड का कर लेना, एक साइड का पूरा मत करना। हाँ तो अब एक साइड के अंदर आपको ऐसे चेस्ट लगा देनी है उसके ग्लास के नीचे, ठीक, और फिर नीचे भी एक चेस्ट लगा देनी है। और अब आपको अंदर, यार फंस गया, अंदर घुस जाना है, और फिर हॉपर्स लगा लेने। हॉपर्स में बता तो कैसे लगाना है, क्राउच हो जाना, क्राउच होके लगाना है, और एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। फिर आप चौथा यहाँ पे कूद के लगा लेना उसके ऊपर बैठ के। लो भाई आखिरी में हमें तोड़ना ही पड़ेगा, एक लास्ट तो वेस्ट हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट लगा ही लेते, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, अब तोड़ ही लिया हमने तो। हाँ तो अब हमारा रह गया भाई जो साइन बोर्ड लगाने का काम, अंदर आ जाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ऊपर लावा आएगा हमारा। यहाँ पे हम साइन बोर्ड लगा लेते हैं हमारे, ये एक, ये दो, और उसके ऊपर क्लिक करके एक और लगा देना, उसके ऊपर भी क्लिक करके एक और लगा देना। ये हो गया हमारा काम, अब हम ग्लास से पूरा ढक सकते हैं। तो मैं ढक देता हूँ ग्लास से फटाफट। अरे ठीक है, तो हो गया। अब हमें ऊपर जाना है, और ऊपर जाके लावा लगाना है। तो पहले मैं यहाँ पे स्टेयर्स ही बना रहता हूँ ना भाई, एक काम करता हूँ, ये बार बार ब्लॉक्स ऊपर तोड़ तोड़ के फिर से ऊपर जाना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। स्टेयर्स बना लेता हूँ, वो ही ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे लिए। तो मैं परेशान हो गया हूँ यार, बार बार गिर गिर के तोड़ना लग पड़ रहा है बार बार इनको। तो हाँ अब आगे ऊपर, तो वहाँ पर हमें लावा डालना है, तो मैं आपको फिर लावा डालने के बाद ही मिलता हूँ। हाँ तो गाइस देखो मैंने लावा डाल लिया है, तो अब हम पीछे के ब्लॉक तोड़, आराम से उतरना फिर आराम से, ठीक है, यानी उतरना नहीं अभी। ये देखो अब ये डर्ट ब्लॉक्स किस काम आएगा आपको पता चलेगा। आपको तीन ब्लॉक्स ऊंचा रखने, और फिर उसके ऊपर आपको डर्ट ब्लॉक लगाने, मैंने स्टोन ब्रिक्स ही लगा दिए। और आपको सिक्स बाय सेवन का एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, 6x7 का, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, 6x7 का बस एक प्लेटफॉर्म बना लेना, क्योंकि उसके ऊपर आपके विलेजर के बैठ जाएगी, और फिर उसके ऊपर जो उनके जॉब टेबल से वो आएगा। तो 6x7 का पहले एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, जल्दी जल्दी बना लेता हूँ अभी। अब देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। तो भी भाई आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि आपको क्या पार्ट समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से वो समझा दूँगा।
ठीक है भाई कुछ ऐसा। और भाई आराम से बनाना, क्राउच बटन को अब छोड़ना मत, अगर आपने क्राउच बटन हटा दिया तो भाई आप डायरेक्ट लावा में चले जाएंगे, सारा सामान वेस्ट। ये जितना भी आप सामान रखे हो ना स्टोन ब्रिक्स मुश्किल से जमा किए हो ना, वो सब चले जाएगा भाई, बहुत मुश्किल से जमा होते भाई ये स्टोन ब्रिक्स बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। हाँ तो बस अब आपको बेड लगाने, जैसे मैं बेड लगा रहा हूँ पहले मैं बेड ले आता हूँ। मैं बेड ले आया और बेड लगाना भी स्टार्ट कर दिया। वो देखो ऐसे ऐड से बेड लगाने आपको, ठीक है जैसे मैं लगा रहा हूँ, लगा लो बेड में फटाफट, बेड लगाते हो फिर आपको मिलता है। देखिए ये पूरे टोटल 21 बेड्स लगने चाहिए ऐसे, ठीक है। और रात अलग हो गई है फिर से। तो गाइस देखिए मैंने अब फ्लैचिंग टेबल और उसके ऊपर ग्लास केज और फिर विलेजर को माइनकार्ट से यहाँ पे ले आया हूँ। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो रही थी तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, मैं मुझे आधा घंटा लगा ये काम करने में क्योंकि ये विलेजर आ ही नहीं रहा था। तो देखिए मैंने ऐसा कुछ ट्रैक बिछाया था पूरा ऊपर तक ले गया था ऐसे, तो अब दूसरे विलेजर को भी लाना है। मैं मेरे हिसाब से वहाँ पे सिर्फ दो ही विलेजर है, हाँ दो है, तो मैं इनकी ब्रीडिंग करवा देता हूँ, पहले बंद कर देता हूँ, तो मैं अब फिर से आपको पूरा करके ही मिलता हूँ यार। तो भाई देखो मैंने पूरा कर लिया है, पूरे 21 विलेजर्स को ब्रीड करा करा के बना लिया है। तो अब बस देखते कि हमारा आयरन फार्म तो शायद एक रात बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक बार सो जाए फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं भाई, एक रात हो चुकी है और ये देखिए भाई आपके आंखों के सामने आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है। तो चलिए एक बार नीचे देखिए नज़ारा, देखते हैं इनकी मौत का, एक ऑलरेडी मर चुका है। गाइस ऐसे तो मैं बहुत टाइम से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मैं एक बार टेस्ट कर रहा था कि आयरन फार्म बराबर से चल रहा है कि नहीं। देखिए कितना सारा आयरन कलेक्ट हो गया, अब बहुत टाइम से इसके यहाँ पे खड़ा हो क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा लेकिन ये चल रहा है अच्छे से। हाँ भाई बहुत मेहनत लगी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो